नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का 10वां मुकाबला व पहला डबल हेडर मुकाबला चेन्नई के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार दोपहर के 3:30 पर। और दोस्तों, इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, यानी कि विराट कोहली और इयान मॉर्गन के बीच ये मुकाबला होने वाला है। और दोनों ने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसमें कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताएंगे और साथ ही उन खतरनाक की प्लेयर के बारे में भी बताएंगे जो काफ़ी आक्रामक परफॉर्मेंस करके अपनी अपनी टीम के लिए शानदार जीत दिला सकते हैं इस मुकाबले में। इसके अलावा दोस्तों, हम इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी जानेंगे कि दोनों टीमों में से किस टीम का है पलड़ा भारी, यानी कि सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीत कर 2 अंक बटोरे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मिले क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, संडे को सुपर संडे बनाने के लिए पहला डबल एडर आईपीएल 2021 का खेला जाएगा, जिसका पहला मुकाबला यानी कि आईपीएल का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और केकेआर के बीच खेला जाएगा, तो वहीं पर दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले इस मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, अब तक आईपीएल 2021 में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर गजब की फॉर्म में चल रही है और अपने 2 में से 2 मुकाबले जीतकर इसमें पॉइंट टेबल में टॉप पर खड़ी है। तो वहीं पर इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इस टीम ने 1 मुकाबला जीता है, जबकि 1 जीता हुआ मुकाबला मुंबई इंडियंस के सामने ये टीम अपनी खराब बल्लेबाजी के चलते हार चुकी है। लेकिन अभी भी इस टीम के पास बेहतरीन मौका है एक बार फिर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करने की, यानी कि केकेआर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कई खिलाड़ी एक साथ बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जो इस मुकाबले में भी हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये 10वां मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है, जहाँ पर पिच काफ़ी मददगार रहती है गेंदबाजों के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों ने अब तक काफ़ी विकेट चटकाए हैं, तो साथ ही बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर बल्लेबाजी करना मुश्किल हुआ है, खास करके आखिरी 5 ओवर में। तो और भी सबसे मुश्किल बल्लेबाजी पिच है ये, जहाँ पर इस बार बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेके हैं गेंदबाजों के सामने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार अब तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स का किस तरह का रहा है परफॉर्मेंस आईपीएल 2021 में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी में अच्छा खासा दम दिखाया है बल्लेबाजों ने, लेकिन सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक की है इस टीम की तरफ से नीतीश राणा ने, जिन्होंने अब तक 2 मुकाबलों में 137 रन बनाए हैं और दोनों मुकाबलों में शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली है टीम के लिए। हालांकि टीम के मिडिल ऑर्डर में अभी भी परेशानी है, क्योंकि अब तक दोनों मुकाबलों में मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। राहुल त्रिपाठी ने जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके अलावा आंद्रे रसल, इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों से इस टीम को काफी कुछ उम्मीदें रहेगी, लेकिन फिलहाल इनका बल्ला खामोश है, जो इनका लिए एक चिंता का विषय है। तो वहीं पर गेंदबाजी में इस टीम की तरफ से वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ आंद्रे रसल ने भी अब तक कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है, तो इनसे एक बार फिर इस मुकाबले में उम्मीद होगी। लेकिन ये टीम चाहेगी कि आंद्रे रसल गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल करे, क्योंकि पिछले मुकाबले में ये 15 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना पाए थे और आखिरी 30 गेंदों पर जब 31 रनों की जरूरत थी तो वहाँ से भी आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला पाया और कोलकाता को एक जीते हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि साल 2021 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है। 2 में से 2 मुकाबले जीतने वाली इस टीम के लिए कई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जहां टीम को पहले मुकाबले में शानदार जीत दिलाई थी एबी डिविलियर्स ने, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला जमकर बोला है। अब तक 2 मुकाबलों में 98 रन बना चुके ग्लेन मैक्सवेल और इस बार काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, यानी कि इनकी फॉर्म रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कप्तान विराट कोहली टीम को लगातार अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं, 2 मुकाबलों में उन्होंने सेम बल्लेबाजी की, 29 गेंदों पर 33 और 29 गेंदों पर 33 रन बनाए हैं। उम्मीद है कि वो 1 मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिलहाल वो अच्छी शुरुआत दे रहे हैं टीम को। इसके अलावा गेंदबाजी भी इस बार काफ़ी शानदार हो रही है। वहीं पर इस टीम ने पिछले मुकाबले में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी, जब एक समय लग रहा था कि ये टीम भी मुकाबला हार जाएगी, वहाँ से शाहबाज अहमद ने इनके लिए मुकाबले को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वहीं पर आईपीएल 2021 में अब तक कमाल की गेंदबाजी हुई है आरसीबी से। सबसे ज़्यादा विकेट इस टीम की तरफ से हर्षल पटेल ने चटकाए, जिन्होंने 7 विकेट ले चुके हैं अब तक 2 मुकाबलों में। तो वहीं पर इसके अलावा भी कई गेंदबाज इस टीम के अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी कि इनकी गेंदबाजी भी इस बार काफ़ी मजबूत हुई है और इसी का कारण रहा है कि अब तक 2 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर।
वहीं पर दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। तो दोनों टीमें अब तक आईपीएल के इतिहास में 26 बार आमने सामने हो चुकी है, जिसमें से यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर। जहाँ बेंगलोर ने 12 मुकाबले जीते हैं तो वहीं पर 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी कि इन दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में केकेआर का पलड़ा भारी है। लेकिन वहीं पर बात करें साल 2020 की, तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बाजी मारी थी और आरसीबी ने 2 में से 2 ही मुकाबले जीते थे, जबकि 2019 में इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबलों में से 1-1 की बराबरी हुई थी। यानी कि आखिरी 4 मुकाबलों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 3-1 से आगे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े देखकर लग रहा है कि इस बार भी मुकाबला दोनों टीमों के बीच बेहद ही रोमांचक होगा। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर ने पिछला मुकाबला हारा जरूर था, लेकिन इस टीम में बदलाव की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हालांकि यहां पर बात करें हम टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी की, तो यहां पर उतरने वाले हैं शुभमन गिल और उनके साथ होंगे नीतीश राणा। दोनों खिलाड़ी टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात करें इस आईपीएल में तो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इस समय नीतीश राणा। 2 में से 2 मुकाबलों में अर्धशतक लगा चुके हैं और टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दे रहे हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी उतरने वाले हैं। त्रिपाठी की फॉर्म भी काफ़ी शानदार है और लगातार वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। पहले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जमाया, दूसरे मुकाबले में उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि इस तीसरे मुकाबले में एक बार फिर कमाल करेंगे। तो वहीं पर नंबर 4 पर टीम की तरफ से इयान मॉर्गन उतरने वाले हैं। तो नंबर 5 पर उतरेंगे आंद्रे रसल। इसके बाद नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक उतरने वाले हैं। तो नंबर 7 पर साकिब अल हसन उतरेंगे। हालांकि टीम के लिए अब तक उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए हैं मॉर्गन, साकिब, कार्तिक और रसल, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में उनका बल्ला चलेगा। तो वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो पैट कमिंस उतरेंगे। नंबर 9 पर हरभजन सिंह, नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा उतरने वाले हैं और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती। अब तक हरभजन सिंह उतने ज़्यादा अच्छे ओवर नहीं डाल पाए, तो इनकी जगह पर कोई एक और गेंदबाज यहाँ पर टीम में खेल सकता है, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी चेंजेस के साथ उतरने वाली है ये टीम। तो वहीं पर इसके बाद अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फिलहाल काफ़ी शानदार फॉर्म में चलते हुए 2 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है। इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं देवदत्त पड्डीकल और उनके साथ होंगे विराट कोहली। विराट कोहली ने अब तक 2 मुकाबलों में 67 रन बनाए हैं, लेकिन देवदत्त पड्डीकल ने पहले मुकाबले में सिर्फ 11 रन ही बनाए थे, तो अब उम्मीद है कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से शाहबाज अहमद उतरने वाले हैं। तो नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे, जो कि टीम के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स उतरेंगे। तो नंबर 6 पर उतरने वाले हैं वाशिंगटन सुंदर। नंबर 7 पर डेन क्रिश्चियन उतरने वाले हैं। तो नंबर 8 पर जेमिसन उतरने वाले हैं। नंबर 9 पर असल पटेल उतरेंगे। तो नंबर 10 पर सिराज और नंबर 11 पर टीम की तरफ से युजवेंद्र चहल उतरने वाले हैं। अब तक वाले से इस टीम की तरफ से मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ही कमाल दिखा पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में बाकी खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर गेंदबाजी में टीम की तरफ से हर्षल पटेल ने अब तक काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है और शाहबाज अहमद ने भी कमाल करके दिखाया है। तो दोस्तों प्लेइंग 11 देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है जो इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम फिर भी यहाँ पर बात करें एक टीम की जिसकी मजबूत है, तो हालिया फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पर आरसीबी थोड़ी मजबूत है केकेआर से। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी ये मुकाबला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।